खैर बात करते हैं हम लोग हमारे कोटा के बारे में। तो हमारे कोटा से बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और इन अच्छी अच्छी चीज़ों को और ज़्यादा हाईलाइट करते हैं यहाँ के कुछ लोग, जिनमें से एक हैं, कौन है नाम बताऊं क्या, नाम नहीं बताता हूं, आप नाम से शायद नहीं भी जानते होंगे। कोटा स्मार्ट सिटीजन एक फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पर भी इनकी प्रोफाइल है, 40,000 फॉलोअर्स हैं इनके इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर 90,000 फॉलोअर हैं और कोटा से जुड़ा हुआ सारा का सारा कंटेंट ये देते हैं लोगों को, चाहे कोटा के फेमस प्लेसेस हों, कोटा का फेमस फूड हो या फिर कोटा से जुड़ी हुई खबरें हों। तो कोटा से जुड़ी हुई सारी चीज़ें आपको इन पेज पर मिल जाती हैं, हो सकता है आपने ये लाइक भी कर रखा हो, लेकिन इसके पीछे कौन है ये आपको नहीं पता, वो मैं आपको बताऊंगा कौन है इंसान जो ये सब कुछ मैनेज कर रहा है। उनका नाम है पवन मीणा, मेरे साथ फोन लाइन पर है इस वक्त। सो वेलकम पवन। थैंक यू भैया। यकीनन कोटा आपकी रग रग में बहुत अच्छे से दौड़ता है क्योंकि इंस्टाग्राम पर 39,000 फॉलोअर आई गेस एंड 89,000 फॉलोअर्स ऑन फेसबुक। कैसे ये कोटा स्मार्ट सिटीजन शुरू हुआ? कोटा स्मार्ट सिटीजन की कहानी आज से लगभग 3 साल पहले शुरू हुई थी, जब मैंने इसको सबसे पहले फेसबुक पे डाला, क्योंकि उस टाइम में मैं देखता था बड़ी बड़ी सिटीज में सबको प्रमोट करने के लिए वहाँ के फोटोग्राफर, वहाँ के फूड प्रेजेंट करने के लिए पेज होते हैं, लेकिन कोटा में कोई ऐसा पेज था नहीं कि सबको बता सके, अपने शहर को पहचान दिला सके जो। हाँ, लेकिन तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया और उस टाइम पर कोई था नहीं, सिर्फ 2 पेज थे हम, तो मैंने स्टार्ट करते हुए उसको आगे बढ़ाया और पब्लिक का सपोर्ट रहा, तो आज नंबर 1 चल रहा है कोटा में। सो कोटा स्मार्ट सिटीजन पर बेसिकली आप कोटा से रिलेटेड कॉन्टेंट डालते हैं, चाहे वो कोटा का फूड हो, चाहे वो कोटा के जो ऐसे प्लेस है जहाँ पर लोग घूमने आ सकते हैं, तो कोटा की कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हाईलाइट करने की और ज्यादा जरूरत है आपको महसूस हुआ? कोटा की एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कोटा में है गंदे की, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, वरना कोटा में किसी चीज की कमी कर सकती है, वहाँ पर पैसे भी लगा दिए पब्लिक लेकिन वहाँ पर उनको सफाई नहीं मिल पा रही, सब इसी बात से दुखी है, बेकार मेरे पास जितने मैसेज आते हैं लोगों के कि हमारे यहाँ पर कचरा साफ नहीं हो रहा, हमारे यहाँ पर सफाई नहीं हो रही, जी सबसे ज्यादा यही मैसेज आ रहा है। सो अभी क्या गोल लेकर के आप चल रहे हैं कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में हम कोटा स्मार्ट सिटीजन के जरिए ये करेंगे? मेरा गोल यही है कि आगे सबसे एक कोटा स्मार्ट सिटीजन को इंडियन लेवल पे वहाँ पर प्रेजेंट करना, कि कोटा की फोटोग्राफी इतनी अच्छी है, कोटा के अंदर इतनी अच्छी अच्छी लोकेशन के आप बहुत कुछ कर सकते हो, टूरिज्म बढ़े, मेन मोटिव टूरिज्म बढ़े सबसे बड़ा। तो कितने लोग हैं आप टीम में? आप टीम में सिर्फ मैं ओनली अकेला मेंबर हूं जो हैंडल करता हूँ। फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम हैंडल जो है इनको आप अकेले ही मैनेज करते हैं? हाँ, मैं अकेला करता हूँ, वीडियो में बनाता हूँ। इसके अलावा और क्या करते हो पर्सनल लाइफ में? इसके अलावा मेरी स्टूडेंट लाइफ है जिसके अंदर डेली कोचिंग जाता हूँ, इसके अलावा पढ़ाई के साथ में ये सब कर रहे हो यार, बिग थिंग सल्यूट है, मतलब पढ़ाई भी कर रहे हो, पढ़ाई के साथ में आप इतना बड़ा पेज भी मैनेज कर रहे हो जिस पर टाइम टू टाइम अपडेट भी मुझे देखने को मिलती है, कोटा से रिलेटेड कॉन्टेंट भी मिलता है, रियली यार वंडरफुल जॉब। तो मैं उम्मीद यही करूंगा कि आप इसी तरह से कोटा को हाईलाइट करते रहिए, बस आपका साथ है तो आगे बढ़ता रहेगा। जरूर जरूर, थैंक यू वेरी मच पवन हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है जब अपने शहर के लिए कोई कुछ करता है, थैंक यू वेरी मच पवन वंस अगेन। और हाँ, पढ़ाई के साथ में लड़का 1 लाख फॉलोअर लेके बैठा हुआ फेसबुक पर, हम जब कॉलेज में थे तो हम इसी चक्कर में बिजी रहते थे, हाँ भाई मेरी वाली